इंडियन जॉब्स में आपका स्वागत है। मैं राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन्स के कटअप्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? सीआरपीएफ ट्रेड के दम आपको ये कटअप जो हम बताने वाले ऑफिशियल कटअप है, समझ जाइए। इसमें हर एक पोस्ट का अलग अलग कटअप निकाला गया है, किस पोस्ट में कितना सीट है, उसके बाद यूअर कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी किस प्रकार आपका कट ऑफ जाएगा, इसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपको हर एक पोस्ट को अलग अलग डिवाइड किया गया है और कितने पोस्टों पर आपकी भर्ती होगी और कितना कट ऑफ जाएगा, हर एक को अलग अलग बताया गया है। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको बता दें, यूआर ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, हर एक कैटेगरी है, ठीक है, और किस में कितना पोस्ट है उसी के रिगार्डिंग कट ऑफ को लाया गया है। इसलिए कि जितने भी मैंने अभी तक ने आपको एनालिसिस करके जो ये वीडियो लाया हूँ, आपकी तक का सबसे अपडेटेड वीडियो है। ठीक है, इसके अलावा आपको कट ऑफ थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, ये बात। अब बात करते हैं कब आएगा रिजल्ट, रिजल्ट कब आएगा, इसके रिगार्डिंग हम वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूले, जिससे कि आपने जितने भी दोस्त होंगे सीआरपीएफ ट्रेडमैन के फॉर्म फिल किए होंगे उनको भी कट ऑफ उनका पता चल जाए। ठीक है, कि वो अपना फिजिकल्स की तैयारी में लग जाए। अगर इतना के आसपास हैं तो आपको निश्चित रहिए कि आपका रिजल्ट होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं तो आप किस पोस्ट से अप्लाई किए हैं और कितना अंक, मतलब आंसर की जो आपने चेक किया कितना अंक आपका आ रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर अभी भी बता सकते हैं, तो हम आपको रिप्लाई कर सकते हैं कि आपका क्या रिजल्ट आ सकता है या नहीं आ सकता है। इसलिए कि मैंने बहुत ऐसे मैसेज आए हैं जिसको हमने आपको रिप्लाई कर दिया है। अगर आप फर्स्ट बार आए हैं तो आपको भी हम जरूर से जरूर हेल्प करेंगे। तो चलिए अब बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट, पहले ड्राइवर के पोस्ट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिख जाएगा कि ड्राइवर की जो पोस्ट है आपको 2372 पोस्ट है। ठीक है, एक चीज आपको यहाँ हम क्लियर कर दें, यहाँ आपका पोस्ट का नाम दिया गया, किस किस पोस्ट से आपने अप्लाई किया है और कितना पोस्ट में कितना सीट है, इसमें आपको दिया गया यूअर कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस। तो आपको कुछ नहीं बताना है, बस ओनली आपने किस पोस्ट से अप्लाई किया। जैसे आपने ड्राइवर से अप्लाई किया है तो आप किस कैटेगरी से, ड्राइवर से अगर आप एससी कैटेगरी में हैं तो एससी लिख कर अगर आपका कितना मार्क्स आया है जरूर बता दीजिए। ठीक है, कि 60 आया है, 62 आया है, इससे क्या होगा कि हम आपको फिर से आपको भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका क्या फिजिकल्स में आपको करना होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके एक पोस्ट के डिटेल्स की ओर। इसलिए मैं आपको फिर दिखला दूँ, हर एक पोस्ट का अलग अलग कट ऑफ है इसमें। ठीक है, मैं सारा डिटेल्स आपको एक एक करूंगा और डिटेल्स करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात ही आती है ड्राइवर पोस्ट की। ड्राइवर पोस्ट में आपको है 2372 पोस्ट है। ठीक है, इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज, भारत में, पूरे भारतवर्ष में आपका 2372 पोस्ट है, जिसमें आपको 65 जो मार्क्स रखा गया यूअर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी में है, आपका 60 मार्क्स आ रहा है, अंक आ रहा है, तो आपका रिजल्ट जरूर हो जाएगा। मैंने बता दी इसमें, इसमें ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो अपना हेवी लाइसेंस बनवा लिए होंगे तो वो अपने ट्रेड के लिए भी तैयारी जरूर रख दे। इसलिए कि ऐसे बहुत स्टूडेंट है कि उनको गाड़ी चलाना आता नहीं है हेवी, लेकिन लाइसेंस क्या होते हैं, बनवा लेते हैं, टू व्हीलर बनाए तो फोर व्हीलर का भी बनवा लेते हैं और हेवी का भी वो बनवा लेते हैं। इसलिए मैं बता दूं आपको कि आप अपना क्या बोलते हैं, इतना मार्क्स है तो आप अपना ट्रेड टेस्ट की भी तैयारी, मतलब ड्राइविंग टेस्ट की भी आप तैयारी करना शुरू कर दें। चलिए, अगर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आप 61 मार्क्स लाते हैं तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, और एससी एसटी कैंडिडेट की बात कर ले तो एससी की पहले बात कर ले, एससी में आपका 54 मार्क्स लाते हैं तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, एसटी में 52 मार्क्स पर आपका आ जाएगा। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में 57 पर है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये तो थी ड्राइवर पोस्टों की भर्ती में कि आपको मैं बता दिया। इसमें भी क्या है कि हर एक राज्यों में अलग अलग सीटों से अनुसार बांटा गया है। ठीक है, तो 2-4 नंबर इधर उधर हो सकता है, मैंने आपको फिर से बता दिया। ये पूरे डाटा को इकट्ठा करके आपको हम एनालिसिस करके बता रहे हैं कि कितने लड़के ने एग्जाम दिया था और कितने ने अपना रीजन बताया कि मैंने कितने आंसर करके आया हूँ और कितना है। ठीक है, और ये ऑफिशियल कट ऑफ समझ जाइए कि इसके ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है, ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं मोटर मैकेनिक की। ठीक है,
एक एक चीज डिटेल करेंगे आपको। मोटर मैकेनिक में आपको जैसे दिख गया 544 पोस्ट है, ठीक है, इसमें आपका मोटर मैकेनिक में, तो इसमें आपको सबसे पहले बता दें यूअर कैटेगरी का कितना जाएगा, 70 प्लस आपका कट ऑफ जाने वाला है। इसलिए कि इसमें आपको बता दें कि मोटर मैकेनिक जितने भी स्टूडेंट है आईटीआई के अंतर्गत बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो आपको मोटर मैकेनिक कर लेते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो अभी जॉब नहीं होने की वजह से वो कोई कंपनी वगैरह ज्वाइन कर लेते, तो उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। क्या हो जाता है, बनाने की जो कोई भी मोटर मैकेनिक जो होते हैं, जो किसी भी मोटर को बनाने की प्रक्रिया, उनका क्या होता है, अच्छा हो जाता है। इससे उनका ट्रेड में चांसेस बहुत कम रहता है कि वो छटते हैं, ठीक है। ऐसे ओबीसी बात कर लें तो 67 मार्क्स पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा, यही एससी की बात कर लें तो आपका 62 पर, और एसटी की बात कर ले तो 58 पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और यहीं अब बात कर ले ईडब्ल्यूएस की तो 63 मार्क्स लाए हैं तो आपका भी रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया मोटर मैकेनिक्स के भी, चलिए अब बात करते हैं मोची की। नेक्स्ट स्टेप मोची की बात कर ले, कोई भी दिक्कत हो कमेंट जरूर करें, मैं आपको एक एक चीज डिटेल्स करने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मोची की बात कर ले तो आपका मोची का पोस्ट कितना है, 151 पोस्ट है, ठीक है। तो इसका जो हाईएस्ट कट ऑफ जाएगा ना यूआर कैटेगरी से आपका 64 जाएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो 64, इससे ज्यादा जा ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आपका, ये ओबीसी कैंडिडेट है तो इनका 61 मार्क्स पर भी आप लोग का रिजल्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद एससी कैंडिडेट की बात दें तो 58 और एसटी कैंडिडेट के भी 58 और ईडब्ल्यूएस का 54, ठीक है, यहाँ आप बता दें। इसलिए कि ईडब्ल्यूएस बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं, बहुत रियर केस में जो स्टूडेंट होते हैं कि मोचिक से वो सिलेक्ट फॉर्म करते हैं। पहले ही बता दूं आपको कि ईडब्ल्यूएस में बहुत रियर केस में जो एक दो नहीं होते चुने गांव में गुने चुने बंदे जो आपको ये आपको मोची से अप्लाई कर दिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले, नहीं तो नहीं करते हैं, इसलिए इनका कट ऑफ क्या जाएगा, कम जाएगा, ठीक है। और यहीं आप बोलिएगा कि यूअर कैटेगरी से आपका 64 कैसे जाएगा, तो इसमें बता दें कि इसमें भी आप अगर तो वो अप्लाई कर दें जरूरी है कि आपको 54 पर उनका रिजल्ट हो जाएगा, उससे बेसी भी तो अंक ला सकते हैं, इसलिए आपको जो यहाँ होगा तो ओबीसी एससी एसटी वाले से भी आपका यूअर कैटेगरी में भी आ सकते हैं, इसलिए इनका 64 जाएगा यूअर कैटेगरी में, लेकिन ईडब्ल्यूएस में आपका मार्क्स कम जाएगा। आगे की बात कर लेते हैं, आगे बात करते हैं दर्जी की। दर्जी पोस्टों पर आपका 242 पोस्टों पर आपकी भर्ती थी, ठीक है, जिसमें आपका अगर यूअर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक, तो 65 अंक आप ला देते हैं, 65 अंक, तो आप निश्चिंत रहिए कि सेफ जोन में आ गए हैं, ठीक है। और अगर आप ओबीसी के स्टूडेंट हैं तो आपको 62 मार्क्स भी ला दिए हैं तो आप भी सेफ जोन में आ चुके हैं, और एससी कैंडिडेट है तो 55 मार्क्स में आ चुके हैं तो आप भी सेफ हैं, और एसटी की बात कर ले तो आप 57 मार्क्स पर भी सेफ हैं, और यहीं अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर ले तो इनके लिए आपको 60 मार्क्स लाना अनिवार्य है, अगर 60 से कम है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कि आपको एक एक पोस्ट के जो मैं बता रहा हूँ ना पूरा एनालिसिस करके आपको बताया गया है कि आप कितने स्टूडेंट इसमें एग्जाम दिए हैं और कितने क्या हुए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ब्रश बैंड, जो आप देखते होंगे इंस्ट्रूमेंट वाले बैंड होते हैं जो सारे म्यूजिकल पॉइंट रहते हैं उन वो बैंड वाले की बात कर ले। आपने अप्लाई किया तो आपको पता होगा सारे डिटेल्स, 172 इनका कट ऑफ गया है, ठीक है, सॉरी 172 पोस्ट है, सॉरी 172 पोस्ट है इसमें। वो तो इसमें यूअर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनका 70 मार्क्स आना अनिवार्य है, इसलिए कि इसमें आपको सीटों की संख्या क्या है, कम है, ठीक है। और लड़के क्या हो गए हैं, इसमें अप्लाई ज़्यादा कर दिए हैं तो इसलिए आपका इसमें कट ऑफ बढ़ गया है, ठीक है। आपको फिर से बता दें इसमें सीट की संख्या क्या है, कम है, और आप लड़के क्या हो गए हैं, ज़्यादा अप्लाई कर दिए हैं इस पोस्ट के लिए तो इसमें आपका कट ऑफ बढ़ गया है। यहाँ ओबीसी की बात कर ले तो 66 पर आप लोग का रिजल्ट हो जाएगा, एससी की बात कर ले तो 60 पर, और एसटी की बात कर ले तो 58 पर, यहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर ले तो आपके पास 53 नंबर होना अनिवार्य है। अगर आप 53 से कम लाते हैं एक दो नंबर इधर उधर चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा 5 नंबर का अंतर में आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा बाहर, ठीक है। ये आपको दम एक्यूरेक्ट कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। अब बोलिए पाइप बैंड, जो पाइप बैंड होते हैं उनके लिए ये 51 ही पोस्ट है, ठीक है, लेकिन इसमें 51 पोस्ट है तो इसमें क्या बोले 51 पोस्ट है, लेकिन पोस्ट के अनुसार भी इसमें सीट आपको ठीक ठाक है, इसमें लड़के भी ज़्यादा अप्लाई
नहीं किए हैं, ठीक। तो यूअर कैटेगरी में आपका 70 पर चला जाएगा कट, ओबीसी कैटेगरी 65 और एससी की बात कर ले तो 54 और एसटी की 52 और यहीं हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर ले तो 62 मार्क्स आप ला दिए हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। और जरूर से जरूर अपने ये बैंड वाले के लिए आप जरूर ट्रेड के लिए अच्छा से प्रयास करें कि इसके लिए आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने इतना अच्छा मार्क्स ला दिया है तो आप ट्रेड पर जरूर ध्यान दें, इसके लिए कि फिजिकल्स आप लोग क्वालिफाई कर लेंगे तो इसका ट्रेडिंग सबसे मेन होगा, ठीक है। चलिए आगे की बात कर ले। अब ब्यूगलर के लिए, ब्यूगलर में आपको जो पोस्ट है इसमें अच्छा खासा पोस्ट है, ठीक है, 1340 पोस्टों पर आपकी क्या होगी, ब्यूगलर की भर्ती होगी, ठीक है, 1340 पोस्टों पर, जिसमें आपका यूअर कैटेगरी है आपने 61 लाए हैं तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, 58 पर आपका क्या ओबीसी कैंडिडेटों का हो जाएगा, 54 पर एससी की और 55 पर, फिर से 51 पर आपकी क्या हो जाएगी एसटी कैंडिडेटों की, और यही आपके 60 नंबर ला चुके हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। यूट्यूब पर ऐसे भी स्टूडेंट जो आपको मिल जाएंगे कि अच्छे अच्छे मार्क्स ला कर कमेंट में कर रहे हैं, लेकिन आपसे एक बता दो, यूट्यूब पर कोई सीआरपीएफ के सर हैं जो अच्छा ब्यूगलर का तैयारी करा रहे हैं, उनका मैं भी शॉर्ट्स वीडियो देखा, वहाँ लड़के जाकर तैयारी भी कर रहे हैं ब्यूगलर के लिए, तो आप अगर इतना मार्क्स लाए हैं तो जरूर उनसे कंसल्ट करके और जरूर उनका जाकर अपना तैयारी कर ले, जिससे कि आपको बेनिफिट हो, ब्यूगलर बजाना आ जाना चाहिए, इसलिए कि आपने अच्छा मार्क्स ला दिया है तो आपको ब्यूगलर बजाना अच्छी तरह से आना चाहिए। मैंने यूट्यूब पर देखा है वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा रहे हैं और जहाँ से आपको वो भी सीआरपीएफ ट्रेड सीआरपीएफ में ऑलरेडी हैं तो वो ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। चलिए अब आगे की ओर बात करते हैं, आगे आते हैं तो हम बात करते हैं गार्डनर पोस्ट के लिए, ठीक है। गार्डनर के लिए, गार्डनर पोस्ट में आपका 92 पोस्ट है, ठीक है, इसलिए आपका कटअप इसमें क्या हुआ है बढ़ी है, लड़कों की इसमें जनसंख्या भी इसमें बढ़ी हुई है, इसलिए कि इसमें ज़्यादा हार्ड वर्क तो होता नहीं है, इसलिए लड़के क्या करते हैं इसमें अप्लाई कर देते हैं। यही आपका ये आप इस बार इसका यूअर कैटेगरी के लिए 72 मार्क्स जाएंगे, ठीक है, यही आपको हम अभी तक देखने में आ रहा है कि अभी तक यही 62 मार्क्स जा रहा है, इसमें लड़के इसमें ज़्यादा अप्लाई किए हैं। यही हम बात कर ले ओबीसी की तो 68 मार्क्स लिए आपको और एससी के लिए 61 और एससी के लिए आपका 59 और यही हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर ले तो 63 अंक आपको लाना अनिवार्य है, ठीक है, ये किसके लिए गार्डनर के लिए। अब बात करते हैं पेंटर के लिए, पेंटर में आपको 56 मार्क्स लाना, सर 56 पर आपका पोस्ट है और अब किस किस कैटेगरी का कितना पोस्ट है, किस किस कैटेगरी का कितना पोस्ट है, अब इसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। जैसे कि 56 पोस्ट है, इसमें यूअर कैटेगरी का आपको जो दिख जाएगा आपका 54, ठीक है, 64 मार्क्स लाना अनिवार्य है। यही हम बात कर ले ओबीसी कैंडिडेटों का, तो 60 मार्क्स लाए हैं तो आप सेफ जोन में हैं और अपना पेंटिंग का जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है उसको ध्यान से आपको ट्रेनिंग के सॉरी ट्रेनिंग करें ट्रेड के समय आपको ध्यान से इसकी एक ही जानकारी होनी चाहिए, ब्रश कितने अंक का, सॉरी 4 इंच का होता है, 6 इंच का होता है, 2 इंच का होता है, 2.5 इंच की, इस सारी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए कि ट्रेड में बहुत इसमें ट्रेड में पेंटिंग में लड़के छटते हैं पेंटर में। चलिए अब बात करते हैं 55, ये आपको एससी कैंडिडेट में अगर 55 अंक लाए हैं तो आप भी सेफ जोन में हैं, आपका भी रिजल्ट होगा। एससी में आपको 52 मार्क्स और यही आपको बता दें ईडब्ल्यूएस में 63 मार्क्स लाए हैं तो आप सेफ जोन में हैं और आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। अब बात करते हैं कुक में, कुक में इसलिए कि कुक अच्छा खासा इस बार इसमें ड्राइवर और कुक में पोस्ट है, ठीक है, 2475 पोस्ट है कुक में, ठीक है, तो इसमें लड़के भी क्या कहें ज़्यादा अप्लाई किए हैं और इसमें लड़के को क्या को ज़्यादा अप्लाई किए हैं लेकिन इनका कट ऑफ जाएगा कम, इसलिए कि इस जो भी अभी तक हम कट ऑफ देखें कुक वाले को तो क्या आया है कट ऑफ मार्क्स कम ही आ रहे हैं, इसलिए और ज़्यादा इसमें फिजिकल्स में और ट्रेड में इनको बहुत ज़्यादा संख्या में इनको बुलाया जाता है, ठीक है, इसलिए कि सारे जवानों को खाना क्या इन्हीं को बुलाया जाता है, लेकिन इनके बस आपने रिटर्न क्वालिफाई कर लिए और आपको कुक में जो होंगे ट्रेड सबसे बहुत मायने रखता है, इसलिए कि आप कोई सबसे आप ही से जवान, अगर आपने अच्छा खाना खिलाया,
अच्छा से बनाया तो क्या होगा, सभी जवान अच्छा से खाएंगे, अच्छा से उनका हेल्थ स्वास्थ्य रहेगा, तो सभी तो ड्यूटी करेंगे। इसलिए इनमें ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि इनका आपको ट्रेड में, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको बता दे यूअर कैटेगरी से हैं तो आपको 52 मार्क्स है तो आपका भी रिजल्ट आएगा, 50 पर भी है तो आपका रिजल्ट आएगा। यहीं आप SC और ST कैंडिडेट हैं तो आपका 54 और सॉरी 45 और 48 मार्क्स है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। प्लस में रख इसलिए यहाँ लिख दिया हूँ कि इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, कम में आए तो आपका गुजारिश नहीं है, ठीक है, कम में आपका गुजारिश नहीं। यही हम बात कर ले EWS कैटेगरी के, तो आपका 51+ आपका मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब नाई की बात कर ले, 300 3 पोस्ट हैं इसमें टोटल, और यही यूअर कैटेगरी में 60 अंक अगर ला चुके हैं तो आप बहुत अच्छे सेफ जोन में हैं, ठीक है। और यही बात कर ले आपको OBC कैंडिडेटों का, तो आपका 56, और यही बात कर ले SC की जो आपका 53, और ST के लिए आपका 51 मार्क्स अच्छा है। और यही आपको EWS कैटेगरी 55 अंक आपको कंपलसरी है, अगर 55 से कम है तो नाई में आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। अब करते हैं हेयर ड्रेनर, तो इसमें आपको ओनली फॉर एक पोस्ट है, ठीक है, आपको एक पोस्ट है जिसमें आपको ये ओनली SC कैंडिडेट का, इसमें 60+ अगर आपने मार्क्स ला दिए हैं कोई जितना भी बंदा हो तो उनका एक पोस्ट में है, एक लड़का का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं धोबी की, ठीक है, धोबी 406 पोस्टों पर आपकी भर्ती हुई है, इसमें आपको मैं बता दूं यूअर कैटेगरी अगर आप हैं तो 52 मार्क्स लाए हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। यहीं आप 50 अंक ला दिए हैं, OBC कैटेगरी है तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप SC कैंडिडेट हैं तो 49, और ST कैंडिडेट में अगर आप 49 लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यही आप EWS कैटेगरी हैं तो आप 51+ लाना होगा, इसलिए आपको EWS बहुत इसमें कम जाते हैं लड़के EWS कैटेगरी से, ठीक है। अब बात करते हैं सफाई कर्मचारी, ठीक है, इसमें टोटल सीटों की संख्या क्या है, 824 टोटल सीटों की संख्या है, जिसमें आपको यूअर कैटेगरी से अगर आप 65 अंक लाते हैं तो सिलेक्शन जरूर बुलाया जाएगा आपका ट्रेड के लिए और फिजिकल्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद बात कर ले OBC कैंडिडेट है तो आप 60 अंक ला दिए हैं तो निश्चित रहे कि आप अपना ट्रेड और फिजिकल्स पर ध्यान दें। अब बात कर लेते हैं आपको 58 मार्क्स SC कैंडिडेट, 55 पर आपका SC के लिए, और हम बात कर ले यहीं EWS के लिए आपका 63 मार्क्स पर आपका बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं आपके लिए तीन पोस्ट और बच चुके हैं, ठीक है, 15 नंबर में प्लम्बर, वो भी एक पोस्ट है, ठीक है, वो भी जनरल कैटेगरी यूअर कैटेगरी में 65 अंक आपने ला दिए हैं तो समझ जाइए आपका सिलेक्शन कन्फर्म, ठीक। अब बात करते हैं मेसर, मेसर में टोटल 60 छोड़ 6 पोस्ट हैं, ठीक है, जिसमें आपका 60+ यूअर कैटेगरी और 60 70 है सॉरी 70 अगर आपने ला दिए हैं यूअर कैटेगरी से हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहीं बात कर ले 68 अगर आपने OBC कैटेगरी से आए तो आ गया तो सिलेक्ट है, और SC कैटेगरी है तो 56 59 और 60 हैं तो आप ला दिए हैं तो सेफ जोन में। अब अगर EWS हैं तो आपको 65 नंबर भी आपने ला दिए हैं तो आप सेफ जोन में हैं। आगे बात कर ले इलेक्ट्रिशियन के लिए, जिसमें आपको 4 पोस्टों पर इनकी भर्ती है, अगर आपने 72 मार्क्स यूअर कैटेगरी लाए हैं तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने OBC कैंडिडेट हैं तो 67 मार्क्स लाए हैं तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बात कर ले SC कैटेगरी है तो 55 मार्क्स लाए हैं तो सिलेक्शन होगा, और 55 ST का भी, और ये EWS कैटेगरी के लिए आपको 65 मार्क्स होना अनिवार्य है। तो फ्रेंड ये हमने आपको कट ऑफ एक एक डिटेल्स के साथ बता दिया, और बता दे आपको जो आपने CRPF ट्रेड के तरफ से नोटिस एक जारी किया गया था जिसमें आपको क्या दिया था, पोस्ट प्रिफरेंस के लिए आपको दिया गया, पोस्ट चेंज करने के लिए दिया गया था, चॉइस के लिए दिया गया था, उसके लिए आपने एक लिस्ट देख लिया होगा। अगर आपने नहीं दिखाया तो मैं आपको बता दूं, मैंने उसके ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि आपको वो कैसे भरना है, ठीक है, वो भी वीडियो देख लीजिए। और रिजल्ट इस जो ये फॉर्म फिल होने के बाद ही आपका रिजल्ट
प्रकाशित होगा। जल्द से जल्द मैं आशा करता हूँ कि आप इतना मार्क्स लाए हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाए। जब तक लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। और एक एक डिटेल्स इसमें मैंने क्लियर कर दिया। कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जल्द से जल्द कमेंट करें। जब तक लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।